हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मैं हूं आपका दोस्त अरमान खान और मैं आपको आज बताने वाला हूं कि अगर आप ओमान के अंदर हैं या ओमान आने वाले हैं, ओमान आने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए कौन कौन सा जगह ओमान के अंदर हो सकता है जहां आप अपने फैमिली के साथ, दोस्त के साथ घूम सकते हैं, ट्रिप पर जा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा दो मोस्ट विजिटेड प्लेस इन द ओमान, जो सबसे ज़्यादा जहाँ पे लोग जाते हैं ट्रिप में घूमने के लिए अपने फैमिली के साथ। और उसके बाद एक चीज़ और जो मैं आपसे शेयर करूंगा दोस्त, कि आज सुबह सुबह जब मैं आ रहा था अपने रूम से ऑफिस के लिए, तो एक इंसिडेंट हो गया यार मेरे साथ। और उस इंसिडेंट के वजह से मेरे ऊपर जो यहाँ की पुलिस ने फ़ाइन मारा है, वो फ़ाइन लगभग 2,000 से 5,000 का फ़ाइन हो सकता है। तो वो मैं बताऊंगा आपको वीडियो के एंड में कि वो किसके लिए यहाँ की पुलिस ने हमें फ़ाइन मारा है और उस फ़ाइन से आप कैसे बच सकते हैं, क्योंकि अगर आप ओमान में हैं तो कहीं ना कहीं वो फ़ाइन आपको भी पड़ सकता है। तो उस सारी जो है फ़ाइन पुलिस का क्यों पड़ा, कैसे पड़ा और उस सब चीज़ों से आपको बचने के लिए क्या करना है, वो सब कुछ मैं बताऊंगा इस वीडियो के एंड में। तो आप बने रहे हमारे साथ, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं ओमान के दो मोस्ट विजिटेड प्लेस का, जहाँ पे ओमान के अंदर से अलग अलग जगहों से लोग जाते हैं वहाँ पे, और ओमान के बाहर कंट्री से भी लोग आते हैं वहाँ पे और विजिट करते हैं। वो सबसे पहला नंबर पे है सलाला। जी हाँ, सलाला जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही ग्रीनी प्लेस है वो। और मस्कत से सलाला की जो दूरी है बाय रोड, वो लगभग 1,000 किलोमीटर है। आप बाय कार, बाय बस आप ट्रेवल कर सकते हैं वहाँ से मस्कत से, और बाय प्लेन भी जा सकते हैं। लगभग 1 से 2 घंटा का रास्ता है शायद प्लेन से वहाँ पे। तो जो सलाला है दोस्त, वो मतलब बहुत सारी घूमने वाली जगह है, और यूँ कहें ओमान में तो एक नबियों का शहर भी कहा जाता है। वहाँ पे अल्लाह के नबी इमरान अलैहिस्सलाम का कब्र मुबारक है वहाँ पे। और उस कब्र की खासियत ये भी है दोस्त कि जो इमरान अलैहिस्सलाम की जो कब्र है, वो लार्जेस्ट ग्रेव इन द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी और बड़ी कब्रों में से एक है, बल्कि नंबर 1 पे ही है वो, जिसकी लंबाई लगभग 30 मीटर है। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि उसकी लंबाई, उस कब्र की लंबाई जो है लगभग 30 मीटर है। जी हाँ, और एक और अल्लाह के नबी है वहाँ पे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, उनका भी कब्र मुबारक सलाला के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो उनका भी कब्र मुबारक है वहाँ पे। और एक और जो मोस्ट फेमस सहाबी हैं, सहाबी रसूल हैं, जिनको आप लोग बखूबी जानते ही होंगे, उनका नाम है हजरत उवैस करनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। हम बहुत सारे बयानात में उनकी खूबियाँ, उनके बारे में सुनते आए हैं बचपन से। तो उनका भी कब्र मुबारक सलाला के अंदर है, और सलाला में आज ही गवर्नमेंट का एक न्यूज आया है दोस्त कि इस साल जो खरीफ सीजन, अभी खरीफ सीजन चल रहा है वहाँ पे मानसून का, और यही टाइम है सलाला में घूमने का। एक्चुअली जो अभी जो टाइम होता है ना कि कब हम विजिट करें घूमने के लिए, तो यही है जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, 4 महीना लोग बहुत ज़्यादा वहाँ पे विजिट करते हैं, बहुत भीड़ रहते हैं, जो हर जगह से टूरिस्ट लोग आते हैं वहाँ पे, अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जाते हैं, लोग इंजॉय करते हैं। तो इस 4 महीना में अभी खरीफ का सीजन चल रहा है, तो गवर्नमेंट ने आज ही अनाउंस किया है कि इस बार जो है वो 64 वो एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ और कल्चरल एक्टिविटीज़ का आयोजन इस बार करेंगे वो लोग, जिसमें कि मतलब खास करके जो यूथ जो है, जो मतलब यूथ है, जो एक्सपर्टीज लोग हैं, मतलब उमानीज, नॉन उमानीज, सब लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लाइक स्विमिंग है वहाँ पे, और आपका स्केटिंग वगैरह है, फुटबॉल का टूर्नामेंट है, टेनिस का टूर्नामेंट है, और वुमेंस के लिए भी वहाँ पे रखा गया है, बॉलिंग है उनके लिए, और इलेक्ट्रॉनिक्स स्पोर्ट्स का आयोजन बहुत तरह तरह का वहाँ पे किया गया है। और आप वहाँ पे दोस्त घूमने के लिए अगर बात करें तो घूम सकते हैं आप वहाँ पे। आपका है आपका ईस्ट सलाला माउंटेन सफारी, माउंटेन सफारी, आप जैसा कि स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में एक्चुअली। और उसके बाद में है डरबट वाटरफॉल,
डरबट वाटर करके, यहाँ पे वाटर भी सेल किया जाता है, इसका अपना बिस्लेरी है और सही यहाँ पे डरबट वाटर करके बिस्लेरी वाटर का भी यहाँ पे ये लोग सेल करते हैं। तो डरबट वाटरफॉल है, आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे कितना खूबसूरत है। और उसके बाद है जबल समहन है, जो कि पूरा क्लाउडली है, ऊपर जाने के बाद बहुत ज़्यादा क्लाउड रहता है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कितना क्लाउडली है और खूबसूरत जगह है। तो ये चीज़ें इस लाला में आप घूम सकते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ है जो आप वहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। और सेकेंड जो है वो दोस्त यहाँ का फेमस ओमान का, और मतलब लोग जो वहाँ पे जाते हैं वो है आपका जबल अखदर। जी हाँ, जबल अखदर जो लगभग मस्कत से 120 to 130 किलोमीटर है निजबा के पास में। जबल मतलब माउंटेन हो गया, पहाड़ दोस्त। जबल एक अरबिक वर्ड है और अखदर मतलब ग्रीन, अखदर भी एक अरबिक वर्ड है। तो जबल अखदर यानी कि ग्रीन माउंटेन, ग्रीन पहाड़ है ना, आप समझ ही गए होंगे इससे। तो वो चीज़ है। और जबल अखदर भी बहुत खूबसूरत जगह है, सीढ़ीनुमा माउंटेन है, और जिसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें तो 2980 मीटर है। जी, 2980 मीटर की ऊंचाई है। वहीं अगर फीट की बात कर ले हम तो 9780 फीट है इसकी ऊंचाई माउंटेन की। और वहीं समुद्री तल से इसकी ऊंचाई दोस्त जो है वो 2000 मीटर है। तो ये ऐसा है वहाँ पे जबल अखदर, वहाँ का जो मौसम है वो भी एकदम बहुत ही मेडिटेरियन क्लाइमेट रहता है वहाँ पे। इसकी वजह से मतलब जो वहाँ पे है वो पोमोग्रेनेट्स, अनार और आपका रोजेस, गुलाब और एप्रिकोट भी मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में वहाँ पे उसकी उपज होती है। एप्रिकोट मतलब खुबानी भी अपने यहाँ बोलते हैं उसको। तो इस सब का ज़्यादा वहाँ पे उपज होता है। तो जबल अखदर भी आप प्लान कर सकते हैं, और सलाला तो खैर है ही है घूमने के लायक, और जबल अखदर भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो आप ये दो जगह पे अभी के टाइम में आप प्लान कर सकते हैं घूमने के लिए। और भी बहुत ज़्यादा जगह है ओमान में जो हम आपको एक वीडियो में तो पूरा बता पाना ये पॉसिबल नहीं है। तो और भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा और बताऊँगा कहाँ कहाँ पे आप घूम सकते हैं दोस्त। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी फिर आप देखिए आगे कि क्या क्या हुआ मेरे साथ में, कि मुझे जो फाइन पड़ा है वो किस चीज़ का पड़ा है। ऐसा है, फाइन मुझे पड़ा है कि मैं सुबह ड्यूटी आ रहा था ऑफिस अपने रूम से, और जो मेरा गाड़ी है वो है मतलब एक थोड़ा सा मिस मैच हो गया है कलर। फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आप देखिए मेरे गाड़ी को, ये है मेरा आपको दिखाता गाड़ी। जी हाँ, ये है टोयोटा की कोरोला गाड़ी है जो मतलब कंपनी ने दे रखी है। और इसमें आप देखिए कि ये जो बोनट है ना, बोनट इसका हल्का सा कलर मिस मैच हो गया है इससे। ये प्योर वाइट है, ये हल्का क्रीमी कलर हो गया है इसका जो बोनट है, आप देख सकते हैं हल्का क्रीमी कलर हो गया है, और ये वाइट है। तो यहाँ पे रूल है ऐसा ओमान के अंदर ऐसा रूल है फ्रेंड्स कि गाड़ी आपका बिल्कुल सेम कलर का ही होना चाहिए, एक कलर का होना चाहिए, उसमें थोड़ा भी डिफरेंस कलर नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंट कलर रहेगा तो यहाँ की जो पुलिस है वो आपको फाइन मारेंगे। वो फाइन आपका इंडियन मनी में अगर आप यूं कैलकुलेट करें तो 2000 से लेकर के 5000 तक का फाइन हो सकता है। तो इसीलिए आज मुझे फाइन पड़ा है, कंपनी ने दे रखी है दोस्त, करोला की गाड़ी है, बट थोड़ी सी मिस मैच की वजह से ये फाइन पड़ा है। तो मैं अभी जाने वाला हूँ गैरेज, जा कर के देखते हैं इसका क्या हो सकता है, सेम कलर मैचिंग करेंगे। तो दोस्तों आप लोग भी ख्याल रखें, और अगर आपकी गाड़ी में थोड़ी सी भी कलर डिसमैच हो रहा है तो आप तुरंत उसको पेंट करवाएं। और जो भी गाड़ी का मतलब यहाँ पे हेल्थ एंड फिटनेस एकदम फिट होना चाहिए, उसका डेंटिंग पेंटिंग का जो भी काम है एकदम चकाचक ओके करके रखिए, नहीं तो आपको भी पड़ सकते हैं ऐसे फटके जैसे आज मुझे पड़ा है। तो ये सारी चीज़ों का आप ख्याल रखें, और उसके बाद आप ड्राइविंग करें सेफली। यही था पॉइंट ऑफ व्यूज। और जी हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। फ्रेंड्स प्लीज़ सपोर्ट करें आप मुझे, और मैं आपको ओमान का अलग अलग जगह का व्यूज़ बताता रहूँगा, दिखाता रहूँगा। और कहीं भी आपको घूमना है, कहीं के बारे में आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल हेल्प यू, आई विल असिस्ट यू फ्रेंड्स।
और मिलते हैं फिर किसी अनदर ब्लॉग में, किसी और टॉपिक के साथ, कहीं किसी और डेस्टिनेशन के साथ। तो जब तक के लिए बाय बाय, आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फ्रेंड्स।